खदान पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने इलाके में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। खदान पुलिस की टीम ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के कब्जे से पुलिस ने देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद किया है। कुछ दिनों पहले खदान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पिस्तौल बरामद की थी। आज एक और आरोपी के पास देसी कट्टा मिलने पर परिसर में खलबली मच गई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी संतोष पाटिल अकोला के अष्टविनायक कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस को अपने गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी संतोष पाटिल को गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाशी लेने के बाद आरोपी से देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहले से ही आपराधिक पार्श्वभूमि है। आरोपी संतोष पाटिल पर पूर्व में सिविल लाइन पुलिस थाने में 324 के दो केस दर्ज है, जबकि सिटी कोतवाली पुलिस थाने में भी उसके खिलाफ एक अपराध दाखिल है। आरोपी संतोष पाटिल को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेजा गया। इस घटना को लेकर खदान पुलिस स्टेशन के प्रभारी थानेदार गजानन धनधर ने जानकारी दी। काल दिनांक 26 मे 2024 रोजी पुलिस स्टेशन खदान च्या हद्दीमध्ये स्टाफला माहिती मिळाली की एक इसम विनापरवाना गावठी कट्टा घेऊन फिरत आहे। तर त्याच्या शोधकामी स्टाफ गेला असता एक इसम नामे संतोष पुंडले पाटील वय 36 वर्ष राहणार अष्टविनायक कॉलनी खडकी अकोला हा त्याच्या ताब्यामध्ये एक देशी कट्टा व एक जिवंत कारतूस बाळगताना मिळून आला। वरून त्याच्याविरुद्ध पोलीस स्टेशनला 460/2024 कलम 3 25 आर्म ॲक्ट अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे। याचा इतिहास पडताळला असता सदर आरोपी हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असल्याचे समजते। त्याच्यावर अकोला येथील पोलीस स्टेशन सिव्हिल लाईन येथे 324 दोन गुन्हे व पोलीस स्टेशन कोतवाली येथे एक मुंबई पोलीस कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल आहे। याच्यामध्ये इतर कोणी आरोपी आहेत काय याचा शोध तपासादरम्यान घेण्यात येत आहे। जर यामध्ये इतर कोणाचा समावेश आढळल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल असं खदान पोलीसकडून कळवण्यात आलं।